अपन ने कल क्या पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रिवीजन और इसके बाद अपन अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे आज का, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अपन ने स्टार्ट करा था इसको, स्टार्टिंग में अपन ये देखा था कि व्हाट इज एम्पिरिकल रियलिटी। समझ में आया था एम्पिरिकल रियलिटी क्या है? वो रियलिटी जो कि इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रेजेंट है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको एम्पिरिकल रियलिटी बोलते हैं। सेकेंड अपन, अच्छा इसके अंदर अपन ने देखा था कुछ एविडेंस होगा, ठीक है, कुछ डेटा होगा, कुछ फैक्ट होगा, राइट। इस पेन को बंद कर ही देंगे, किधर से इसको बंद कर देंगे। इसमें कुछ एविडेंस, डेटा, फैक्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, राइट। फिर हमने देखा था मेटाफिजिकल रियलिटी, सब बोर्ड पर देखोगे अभी। मेटाफिजिकल रियलिटी के अंदर हमने देखा था कि कुछ बियॉन्ड है, बियॉन्ड एम्पिरिकल रियलिटी, एम्पिरिकल रियलिटी से कुछ ऊपर है, राइट। जैसे कि इसके अंदर हमने ये देखा था कि गॉड क्या होता है, ये अपन को नहीं पता। सोल क्या होता है ये नहीं पता, इसको साइंस भी नहीं बता सकती, ठीक है। वर्ल्ड किसने बनाया ये अपन को नहीं पता। तो ये क्या है, दिस इज बियॉन्ड द एम्पिरिकल रियलिटी, कुछ एम्पिरिकल रियलिटी से बियॉन्ड है जो हमको समझना होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल रियलिटी। इज दिस क्लियर। फिर हमने एक टर्म पढ़ा था इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ब्रांच ऑफ फिलोसफी की जो कि क्या लेकर जाएगी तुमको, मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में बताएगी। जैसे अभी हमने चार्वाक पढ़ा था, तो चार्वाक की इपिस्टेमोलॉजी कुछ है और उसने मेटाफिजिक्स की तरफ लेके जाती है। अभी अपन आगे देखते हैं क्या मेटाफिजिक्स है चार्वाक की, ठीक है। तो इपिस्टेमोलॉजी क्या है? इस थ्योरी ऑफ नॉलेज और ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन विच देयर इज थ्योरी ऑफ नॉलेज विच इज लीडिंग टुवर्ड्स द मेटाफिजिकल रियलिटीज और विच फ्रॉम विच वी विल एक्सप्लेन द मेटाफिजिकल रियलिटी। एक होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन विच, वो ब्रांच है फिलोसफी की जिसके अंदर मेटाफिजिकल रियलिटीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से समझोगे किसके अंदर, चार वाक जब अपन आगे पढ़ेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर, मेटाफिजिकल इंपेरिकल रियलिटी हो गया, मेटाफिजिकल रियलिटी हो गया, इपिस्टेमोलॉजी हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया। फिर हमने देखा था इंडियन फिलोसफी का इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन था, कहां से आई इंडियन फिलोसफी? वेदास से आई है। वेदास के बाद फिर क्या था नेक्स्ट? ब्राह्मणास। ब्राह्मणास के बाद? वेरी गुड। और लास्ट उपनिषद। उपनिषद के बाद एक अपना क्या हुआ, कंक्लूजन निकल कर आया। ये कंक्लूजन क्या था? सोल। सोल कैसी है? वन, परमानेंट, इटर्नल, सब बोलेंगे, एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट और फ्री। ये सोल की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इस सोल को जो मान रहे हैं वो थॉट का बोला गया ऑर्थोडॉक्स थॉट, ऑर्थोडॉक्स थॉट। और इससे जो अलग करेंगे, इस डेफिनेशन से डेविएट करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? हेटरोडॉक्स सेक्ट। हेटरोडॉक्स सेक्ट में कौन कौन है? चार्वाक, जैन और बुद्धिस्ट, और बाकी के जो थॉट है आपके वो है ऑर्थोडॉक्स थॉट। यह आपका इंडियन फिलोसफी का सिलेबस था, ठीक है। चार्वाक ने इसका कौन सा पॉइंट हटाया, डेविएट किससे हुआ? इटर्नल और परमानेंट। इटर्नल नहीं है भाई, सोल इटर्नल नहीं है। सोल को मार सकते हैं अपन, तो कृष्ण बोलते हैं ना कि सोल को भेज नहीं सकते, भेज सकते। सोल इज जस्ट लाइक ए बॉडी, बॉडी खत्म, सोल खत्म, ठीक है। सेकंड, जैन ने क्या बोला? जैन ने कौन सा क्लोज हटाया? वन। वन का है थ्योरी ऑफ मेनीनेस, जैन का हो गया। बुद्ध ने कौन सा क्लोज हटाया? नॉट परमानेंट, या फिर चेंज होता रहता है, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद आ जाएगा बुद्ध के अंदर यहाँ पे। ये अपन ने देखा था इस तरह से। और फर्स्ट हमने स्टार्ट करा चार वाक। यस, पर वैसे देखा जाएगा तो सोल जैन का एब्सोल्यूट होता है, नॉलेज जो होता है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। तो उसको अपन उस तरह से देखेंगे, सोल मैंने का देखेंगे, एब्सोल्यूट तो सोल होता है उसका, जैन का। समझ में? चलिए, तो हमने ये रिविजन करा। इसके बाद हमने चार्वाक स्टार्ट करा था। चार्वाक के अंदर सबसे पहला क्या था? सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज में पहला अपन देखा था परसेप्शन, और चार्वाक एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलती है? परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ये चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी। और इसके साथ ही इसके आगे ओनली लगाते ही क्या आ जाएगा? सेकेंड, ए रिफ्यूट अदर सोर्स ऑफ नॉलेज लाइक इन्फेरेंस, कंपेरिजन एंड टेस्टमनी। हम पढ़ रहे थे इन्फेरेंस के बारे में और उसका रिफ्यूटेशन। हमने देखा कि इन्फेरेंस के अंदर हमने डायग्राम बनाकर देखा था कि इन्फेरेंस की डेफिनेशन क्या थी, बताओ? विच कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस, विच कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस, दैट इज राइट।
और क्या डेफिनेशन थी इसकी इन्फेरेंस की? विच कैन बी सेंस थ्रू दैट इज परसेप्शन ना, इन्फेरेंस पूछ रहे। अच्छा परसेप्शन क्या था बताओ, अच्छा परसेप्शन बताओ पहले। फ्रॉम सेंस ऑर्गन से कॉन्टेक्ट करता है ऑब्जेक्ट, वट एवर नॉलेज इज अटेनिंग दैट सोर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज परसेप्शन। इतना ईजी है कि ये बंदा देख रहा है कुछ ऑब्जेक्ट को, या फिर सुन रहा है, या फिर फील कर रहा है, या फिर इसके अंदर इसको टेस्ट कर रहा है, तो इससे जो नॉलेज आ रही है कि ऑब्जेक्ट कैसी है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? परसेप्शन। तो परसेप्शन के अंदर सेंस कॉन्टेक्ट चाहिए, इन्फ्रेंस के अंदर क्या चाहिए? अनुमान होता है इन्फ्रेंस। अनुमान का मतलब क्या होता है? आफ्टर नॉलेज। अनुमान आफ्टर नॉलेज हो गया तो उसके लिए क्या चाहिए? थ्री नॉलेज इज व्याप्ति इज रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, एंड दिस रिलेशन शुड बी, बताओ तो कैसा रिलेशन होना चाहिए? यूनिवर्सल कंपल्सरी नेसेसरी, रिवाइज नहीं करा था, वन टू वन स्पेसिफिक एंड नेचुरल, रिवाइज नहीं करा? नहीं नहीं कराया तुमने, एग्जैक्टली नहीं होता है, या तो करा होता है या नहीं करा होता है। रिविजन सबको करना है, देखो यहाँ पे ये तो भूल ही जाओ कि तुम मेरे को बेवकूफ़ बना दोगे, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस के अंदर हमने व्याप्ति पढ़ा, व्याप्ति क्या है? व्याप्ति रिलेशन किसके बीच में है? हेतु एंड साध्य, वेरी गुड, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। और ये रिलेशन कैसा होगा? यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरी वन टू वन स्पेसिफिक एंड नेचुरल। इसको हमको क्या करना है? इसको चार्वाक को रिफ्यूट कर देना है, क्योंकि चार्वाक के दोस्त से लड़ाई क्यों हो गई थी चार्वाक की? क्योंकि चार्वाक का दोस्त व्याप्ति को मानने लग गया था, और चार्वाक के दोस्त ने बोल दिया था हिलस फायर, ठीक है, जबकि चार्वाक क्या बोल रहा था? आइदर देर इज हिल देर इज स्मोक। फायर तो चार्वाक को दिख ही नहीं रही, पर चार्वाक का दोस्त को दिख रही थी। वो कैसे दिख रही थी? इन्फ्रेंस के थ्रू। तो चार्वाक के दोस्त से लड़ाई किसने करवाई है? व्याप्ति ने। तो व्याप्ति को ये सब चीजें हटानी पड़ेगी। तो चार्वाक ने बोला व्याप्ति इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने रिलेशन एक स्पेस और एक टाइम में देखा है, सारी स्पेस और टाइम में नहीं देखा। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी हुई? फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, वेरी गुड। अच्छा, यूनिवर्सल कंपल्सरी नेसेसरी हट गया, फिर सेकंड क्या बोला? व्याप्ति इज नॉट ए नेचुरल रिलेशन, क्यों? फैलेसी ऑफ सर्कल कैसे दिख रही है इसमें? हाँ तुम बताओ, एक मिनट, हाँ बोलो। देखो एक बार इसको ध्यान से सुन लो, सबको कन्फ्यूजन रहता है इसमें, बिल्कुल ध्यान से सुनो क्या है, और रट लो भी, बाद में कभी टाइम नहीं मिलता है, क्लास में करना होता है जो करना होता है, ठीक है। देखो व्याप्ति, ठीक है, अगर एक नेचुरल रिलेशन है तो नेचुरल रिलेशन क्या होता है? नेचुरल रिलेशन बताओ क्या होता है? इन्फ्रेंस पे बेस होता है हमेशा, नेचुरल रिलेशन इन्फ्रेंस पे बेस होता है। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये नेचुरल रिलेशन है, ये इन्फ्रेंस पे बेस्ड। कैसे इन्फ्रेंस पे बेस्ड? क्योंकि हमने इन्फर कर रखा है। चारवा कैसे बोलता है कि तुमने रोज देखा सुबह उठकर कि सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अगले दिन देखा सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, फिर देखा सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो तुम्हें ऐसा लगा साइकोलॉजिकल कि सनराइज होता है, तुमने ऐसा अनुमान कर लिया कि सनराइज होता है फ्रॉम ईस्ट। तुमने देखा सीड डाला पेड़ होगा, सीड डाला पेड़ होगा, तो तुमको एक अनुमान बन गया कि सीड डाला है तो पेड़ होगा। तो एक नेचुरल जो भी चीजें होती है ना, वो किस पे बेस्ड हो रही है? इन्फ्रेंस पे बेस्ड हो रही है। और इन्फ्रेंस खुद किस पे बेस्ड है? व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? नेचुरल रिलेशन। वो किस पे, वो क्या है? इन्फ्रेंस पे बेस्ड। इन्फ्रेंस किस पे बेस्ड है? व्याप्ति। हो गई फैलेसी ऑफ सर्कल, इन विच प्रीमाइसिस इज प्रेजेंट इन कंक्लूजन एंड कंक्लूजन इज प्रेजेंट इन प्रीमाइसिस एंड वैलिडिटी ऑफ बोथ कंक्लूजन एंड प्रीमाइसिस इज नॉट डिफाइंड। ये किसके डेफिनेशन हुई? फैलेसी ऑफ सर्कल की। समझ में आ गया? अच्छा, फिर क्या देखा था हमने? फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और फिर देखा था अपने फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। एक अपन ने स्पेसिफिक को भी हटाया था कि आइदर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी द रिलेशन बिटवीन देम। तो रिलेशन नहीं देख सकते तो रिलेशन है ही नहीं, जब रिलेशन ही नहीं है तो स्पेसिफिक रिलेशन कहां से होगा? समझ में आ गया?
सबको क्लियर है? देखो जो भी करना है ना क्लास में ही करना है, अच्छे से रिवाइज कर लो, मैं करवा दूंगा 4-5 बार रिवीजन, मैं आंसर राइटिंग तुम्हारी करवा दूंगा, सब कुछ करो, बस तुमको करते जाना है, घर पे जाकर एक बार पन्ने पलट लिया करो बस, कितना तो टाइम रहता ही। सर ये जो फैलेसी ऑफ सर्कल है, हाँ, इसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं। सर्कल, सर्कुलर रीजनिंग, सर्कुलर रीजनिंग, लॉजिकल फैलेसी, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना अपन ने अभी तक यहाँ पर पढ़ा था, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे चलने से पहले हम चार्वाक को थोड़ा समझते हैं, चार्वाक का थॉट क्या है, बिकॉज उस थॉट के अराउंड ही अपनी क्या है फिलॉसफी सराउंड करती है। अच्छा तो अपनी बुकलेट खोलो, बुकलेट नहीं सॉरी प्रॉस्पेक्टस, तुम्हारा कहें देख रहा हूँ, देख 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 इसको देखो, एक बात ध्यान रखो, वापस बोल रहा हूँ, ये प्रॉस्पेक्टस और ये बुकलेट तुम्हारे गहने हैं, इसको हमेशा पहने रखना है, जिस दिन नहीं लाया जिस दिन भूल गए तो वापस जाओगे घर पे, यही तुम्हें पास कराएंगे। अब इस पे प्रॉस्पेक्टस खोलो, फर्स्ट पेज इसका प्रॉस्पेक्टस का, प्रॉस्पेक्टस खोलो, फर्स्ट पेज में चार्वाक की थीम क्या है, मटेरियलिज्म। अच्छा अब देखो हमने क्या देखा है कि चार्वाक ऐसे देख रखा है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये चार्वाक बोल रहा है। ये चार्वाक ऐसा बोल क्यों रहा है, क्यों एपिस्टेमोलॉजी दे रहा है ये? दूसरा फिर रिफ्यूट भी कर रहा है, सबसे लड़ाई कर रहा है ये जबरदस्ती, इन्फ्रेंस वालों से कर रहा है, कंपेरिजन वालों से कर रहा है, टेस्टमनी वालों, क्या हो गया चार्वाक को ऐसे करना क्यों चाहता है, कोई तो लॉजिक होगा ना, फिलोसोफर है। फिर हम बोल देते हैं कि भाई चार्वाक इतना खराब है तो फिर चार्वाक को तुम मुनि क्यों बोलते हो, चार्वाक मुनि, मतलब चार्वाक में कुछ बात तो है, वो बात जब तक तुम नहीं समझोगे ना, जब तक तुम्हारा हालत इस स्टूडेंट की तरह हो जाएगा जो कि आपके फ्रंट पेज पे है कि फिलॉसफी इज टू कॉम्प्लिकेटेड। इस हर फिलॉसफी का कोई थॉट चल रहा है, उस थॉट को हमको अंडरस्टैंड करना है, उस थॉट को अंडरस्टैंड करके हमको उस फिलॉसफी को समझना है, सिंपल, समझ गए? अब थॉट क्या है वो अपन पकड़ते हैं इसका। देखो देखो चार्वाक का क्या टाइम था उस वक्त, कि चार्वाक के टाइम पर हर कोई मंदिर में घूम रहा है, हर पर्सन मंदिर जाने की कोशिश कर रहा है कि मंदिर जाते हैं वहां पे पूजा पाठ करते हैं, वहां पे पूजा पाठ करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले जन्म में हमको स्वर्ग मिलेगा, अच्छा मौत के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा या अगले जन्म में हमारी अच्छी लाइफ होगी, आफ्टर लाइफ हमें बहुत अच्छा मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में हमें बहुत अच्छा मिलेगा, ये सब जरूर। अब चार्वाक परेशान है इससे, चार्वाक इनसे पूछता है कि सर कहाँ जा रहे हो, बोले हमको मंदिर जाना है। अच्छा मंदिर में बैठे हैं कुछ सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल, ये बोलते हैं इन्होंने एक मेन्यू कार्ड बना रखा है, ठीक है, पुत्र चाहिए तो इतना, राजा बनना है तो इतना, सब कुछ का एक मेन्यू कार्ड बना रखा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको डॉगमास में फंसा रहे हैं, सुपरस्टिशन में फंसा रहे, ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो चार्वाक इनको रोक के पूछता है कि सर कहाँ जा रहे हो, बोले कि हमको स्वर्ग चाहिए, बोले इसी जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा या इस धरती पे स्वर्ग मिल जाएगा, यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जी रहो सुख से जी लो ना, तुमको क्या पता कि आफ्टर लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो बहुत धार्मिक आदमी है, हमको तो मंदिर में जाना है, हम पुजारी के पास जाकर बैठेंगे, इस तरह का। चार्वाक यहाँ पे बहुत परेशान है, चार्वाक ने ठान लिया कि मेरे को इनको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के सोसाइटी को डोगमास सुपरस्टिशंस के क्लचेस से बाहर निकाल कर लेकर आना है, ठीक है, तो मुझे एक थॉट देना पड़ेगा, दैट इज मटेरियलिज्म, क्योंकि सोसाइटी इतना स्पिरिचुअलिज्म में खो गई है। अच्छा ये बताओ मेरे को उपनिषद के बाद क्या आया था एक चीज कंक्लूजन, सोल आया था, और सोल को जानना इज नोन एज स्पिरिचुअलिज्म, सोल को स्पिरिट भी बोल सकते हैं, तो ये है स्पिरिचुअलिज्म। अब ये सोल को कैसे जान रहे थे अपन, वेद से, फिर ब्राह्मणास से, फिर अरण्यकास से, फिर उपनिषद से, ऐसे करके हमने सोल के बारे में जाना था, इसको अपन ने क्या बोला था, स्पिरिचुअलिज्म। पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, इन सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल्स ने क्या बोला कि हम बताते हैं तुम्हें सोल क्या है, हमारे पास आओ, हमारे पास पूरा मेन्यू कार्ड पड़ा है, और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिचुअलिज्म में, समझ में आ रहा है।
कर्मकांड होने लग जाएंगे, यज्ञ होने लग जाएंगे और लोगों के ये सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग वाले फंसाने लग जाएंगे। चार्वाक इस स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे सोसाइटी रिचुअलिज्म में चली गई, डॉगमास में चली गई, स्प्रिट डॉगमास के अंदर चली गई, सुपरस्टिशंस के अंदर चली गई, यहाँ पे चार्वाक खड़ा है और चार्वाक चाहता है कि सोसाइटी को खींच के वापस भाड़ ले कि मंदिर में कुछ नहीं है, जावत जीवत सुखम जीवत, इसी संसार में तुमको जीना है, मरने के बाद कुछ नहीं है, सोल इज जस्ट लाइक योर बॉडी, मरने के बाद बॉडी खत्म तो सोल खत्म, ये कौन कहने वाला है? चार्वाक। इसलिए चार्वाक कहता है मंदिर में क्या ढूंढोगे तुम? भगवान ढूंढोगे, मेरे को भगवान को हटाना है। मंदिर में कोई तुमको बेवकूफ बनाएगा कि सोल के बारे में बताएगा? मेरे को सोल को हटाना है। मंदिर में बोलेंगे भगवान ने संसार बनाया, मेरे को इसको हटाना है। इसलिए चार्वाक अपनी एपिस्टेमोलॉजी इस तरह से बना रहा है कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब उस एपिस्टेमोलॉजी को लेकर गॉड के पास जाओ तो गॉड प्रूफ होगा क्या? परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज से गॉड दिखेगा? नहीं दिखेगा। सोल के पास जाओ, सोल दिखेगी? क्या दिखेगा? बॉडी, तो सोल बॉडी। उस एपिस्टेमोलॉजी को लेकर जाओ कि भगवान दिखेगा वर्ल्ड बनाता हुआ? नहीं दिखेगा, तो वो भी नहीं है, गॉड ने भी इस वर्ल्ड को नहीं बनाया। समझ में आया? तो इससे आएगा कि गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, जबरदस्ती इन चीजों में मत फंसो। ये कौन बोल रहे हैं? चार्वाक मुनि बोल रहे हैं, इसलिए उनको मुनि बोला जाता है। मुनि मतलब सेंट, ठीक है। तो ये अपन ने इस चीज के अंदर ही समझा। अब हमको क्या है, हमको इसको रिफ्यूट को करना पड़ जाता है जब ये इतने बड़े सेंट हैं, तो क्योंकि यहाँ पर मटेरियलिज्म का थॉट आ रहा है और अगर तुम मटेरियलिज्म के थॉट को सपोर्ट कर दोगे तो दैट इज नॉट गुड एथिकली, है ना। इसका मतलब क्या है, तुम मटेरियलिज्म के थॉट से अटैच्ड हो और एक ना एक दिन तुम भी क्या करोगे, करप्शन करोगे अच्छा वाला, है ना, सिविल सर्वेंट बन के, इसलिए तुम जा रहे हो। तो इसको हमेशा हमेशा क्रिटिसाइज करना है, चाहे से क्वेश्चन एक्सप्लेन हो, डिस्कस हो, इवेल्युएट हो, कुछ भी हो, इसको अपन को क्या करना है, हमेशा क्रिटिसाइज करना है। कंक्लूजन ऑफ चार्वाक गांठ बांध लो, कंक्लूजन ऑफ चार्वाक विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज। समझ में आया? चलो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चार्वाक का जो रिफ्यूटेशन है इन्फ्रेंस का, उसको हम क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। समझ में आ गया? तो हमने चार्वाक का रिफ्यूटेशन पढ़ा था, उसमें चार्वाक के रिफ्यूटेशन में हमने कहा था कि व्याप्ति जो है ना उसको हटाना था चार्वाक। तो चार्वाक ने व्याप्ति कैसे हटाया था? फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ सर्किल, फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस प्लस स्पेसिफिक रिलेशन इज नॉट अ रिलेशन एट ऑल। ये अपन ने क्या बोला था? चार्वाक का रिफ्यूटेशन। अब चार्वाक के रिफ्यूटेशन का क्रिटिसिज्म लिखो, लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ criticism of Charvaka's refutation of inference, Charvaka refutation of inference, ठीक है। अब ये देखो चार्वाक का epistemology क्या है, बोलो, what is the epistemology of Charvaka? परसेप्शन इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। अच्छा भाई ये अच्छी बात है। अच्छा ये कहाँ से आया, परसेप्शन इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आया? कहाँ से आया? चार्वाक ने ये कैसे बोला? चार्वाक ने ये सेंटेंस क्यों बोला कि परसेप्शन ही एकमात्र सोर्स है नॉलेज का, ये कहाँ से आया? समझे मेरा क्वेश्चन, समझो कि परसेप्शन ही एकमात्र सोर्स है नॉलेज का, ये कहाँ से आया चार्वाक के पास? जब उसने रिफ्यूट किया तो उसके दिमाग में कहाँ से आया? उसने भी तो इन्फर ही करा है, उसने भी तो अनुमान ही करा है। तो जब चार्वाक बोलता है ना कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो चार्वाक इज इट्सेल्फ यूजिंग द इन्फरेंस। मैं बोल दूं कि कल बारिश होगी, ऐसा ही तो है कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। कल बारिश होगी तो ये क्या है, ये एक तरह से अनुमान हुआ मेरा,
इसी तरह चार्वाक भी अनुमान ही कर रहा है ना कि परसेप्शन इज ऑनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, कहाँ लिखा हुआ है? समझ में आया? तो चार्वाक रिफ्यूट किसको कर रहे हैं बताओ, बोलो, इन्फ्रेंस को। और यूज क्या कर रहे हैं? इन्फ्रेंस। तो ऐसा बोला जाता है चार्वाक जिस डाले पे बैठा ना उसी को काट रहा है, समझ में आया? चार्वाक इज रिफ्यूटिंग इन्फ्रेंस बट वाइल फॉर्मुलेटिंग इट्स एपिस्टेमोलॉजी चार्वाक इज यूजिंग द इन्फ्रेंस। सो इट मीन्स दैट चार्वाक थॉट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। हाँ सर, परसेप्शन चार्वाक टेल्स अबाउट गॉड कि गॉड नहीं है बिकॉज़ वी कांट सी हिम, सोल नहीं है बिकॉज़ वी कांट सी बॉडी है, सही? तो परसेप्शन उसका एक तरह से सेंस ऑर्गन से। हाँ, परसेप्शन नहीं बोल रहा, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये कैसे बोल रहा चार्वाक? ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा हो गया ना, मैं बोल दूँ कल बारिश होगी, समझ में आया? तो ये इन्फ्रेंस ही तो कर रहा है चार्वाक कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं ये नहीं पूछा परसेप्शन कहाँ से आया, परसेप्शन तो डिफाइंड है। हाँ, इन्फर करके ये सेंटेंस बोल रहा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। देखो चार्वाक जब ऐसे बोलेगा ना कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कि परसेप्शन ही एकमात्र सोर्स है। कहाँ से लाया चार्वाक ये चीज? सर, उसने जब सेंसेस से कुछ चीज परसीव की तो उसका इन्फ्रेंस ये निकला कि मेरा परसेप्शन ही, उसका इन्फ्रेंस निकला नहीं है ना, तो इन्फ्रेंस को यूज करके बोला है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये उसका परसेप्शन है क्योंकि हम ऐसे उसका परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन तो देखा कहाँ है उसने? परसेप्शन तो जब होता है ना सेंस कॉन्टेक्ट करता किसी चीज से, उसने कोई ये देखा कहीं? परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, उसने इन्फर करा है, समझ गए? परसेप्शन क्या होता है? ऐसा नहीं कह सकते कि इसने ये इन्फर किया है यूज करके उसके परसेप्शंस, ऐसा नहीं कह सकते। कैसे परसेप्शंस को यूज करके? उसने पहले परसीव पर इन्फर ही करा ना लास्ट में। हाँ, इन्फर तो करा, इन्फर करा, और किसको काट रहा है ये? इन्फरेंस को, इन्फरेंस को काट रहा है। तो इसलिए क्या है कि व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इट्स एपिस्टेमोलॉजी चार्वाक इज यूजिंग इन्फरेंस एंड चार्वाक ऑल्सो वॉन्ट टू रिफ्यूट द इन्फरेंस। तो ये क्या बात हुई? तुम अपनी थ्योरी इन्फरेंस को बना पकड़ कर बना रहो, इन्फ्रेंस को रिफ्यूट करके बना रहो, और उसमें भी तुम अपनी थ्योरी में भी इन्फ्रेंस यूज कर, समझ गए? तो लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, चार्वाक्स एपिस्टेमोलॉजी दैट इज परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, चार्वाक्स एपिस्टेमोलॉजी दैट इज परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज is itself dependent on is itself dependent on inference only, is itself dependent on inference only, समझ गए? फिर लिखो second point, एक बार समझो second point क्या होता है। देखो अगर हम डेली एक्टिविटीज़ में देखें अपना, तो अगर हम इन्फर नहीं करेंगे ना तो लाइफ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, अब मेरा पेट भरने लगा, पर मेरे को लगा दिख तो रहा नहीं है तो और खाओ, जब तक दिखेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं कि मेरा पेट भर गया। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मेरे को अनुमान हो रहा है पेट भरा है, फिर जब वॉमिट हो गई तब मैंने देखा हाँ अब खाना खा लिया, अब ये बाहर निकलने लग गया, अब खाना खा लिया, समझ में आ रहा है? तो अगर हम अनुमान लगाना बंद कर देंगे ना, सिर्फ परसेप्शन को ही मानेंगे, तो लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इन आवर डेली एक्टिविटीज, हमारे जैसे हम देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो आधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो अनुमान ही लगा कर करने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा अनुमान लगाना बंद कर दिया, बोले नहीं ये तो कभी हमने देखा नहीं है क्वेश्चन, तो फिर पास ही नहीं हो पाओगे, तो लाइफ विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसमें लिखो सेकंड पॉइंट के अंदर, इन अवर डेली एक्टिविटीज आल्सो इफ वी विल नॉट कंसीडर इन्फरेंस देन लाइफ विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड।
then life will become complicated. तो life complicated हो जाएगी. अच्छा third point देखो. अच्छा इसके बारे में जान दो, मिराज क्या होता है? क्या होता है? मृग तृष्णा. अच्छा वो नहीं, और तो बोल चला और अरे होता क्या होता हूँ मिराज जो दिखता है बट होता नहीं. हाँ जैसे कि मान लीजिए सड़क है, धूप का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर आप खड़े हो तो आपको क्या लगेगा कि आगे जाकर तो पानी है, यहाँ पर वाटर है, यहीं रुक जाओगे, रास्ता बदल लोगे, इधर चल जाओगे, क्या डूबेंगे थोड़ी ना. फिर देखा कि सामने से तो आदमी आ रहा है पानी में तैरता हुआ, तैर नहीं रहा, चल रहा है, फिर तुम्हें क्या लगेगा, अरे ये तो क्या था, मिराज था. समझ में आ रहा है? जो दिख रहा है वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो ये अगर ये मानकर ये चारवाक होता तो चारवाक तो अपना रास्ता बदल लेता कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मुझे दिख रहा है वहाँ पानी भरा है तो चलो इधर. ठीक है, तो लिखो समटाइम्स परसेप्शन क्रिएट्स इल्यूजन. समटाइम परसेप्शन क्रिएट्स इल्यूजन सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. So it cannot be considered as only valid source of knowledge. तो ये हमने कहा कि भाई जो इन्फ्रेंस को रिफ्यूट कर रहा है ना, तो ये तो खुद ही इन्फ्रेंस यूज कर रहा है अपने सेंटेंस के अंदर. सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला कि हमने बोला कि भाई इन्फ्रेंस अगर यूज नहीं करेंगे तो डेली एक्टिविटीज के अंदर हमें प्रॉब्लम होगा. थर्ड पॉइंट हमने बोला कि मिराज और इल्यूजन क्रिएट हो जाता है परसेप्शन से कभी कभार. तो हमको परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानना, इन्फ्रेंस को भी मानना है. ठीक है, इस तरह से इसके अपन को क्रिटिसिज्म इस तरह से देखना. ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा है चारवाक, चारवाक का एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा है रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्रेंस कंपेरिजन एंड टेस्टिमनी. इन्फ्रेंस अपन ने कर लिया, अब नेक्स्ट लिखो कंपेरिजन. नेक्स्ट लिखिए कंपैरिजन. तो पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन को समझते हैं. ठीक है, इसके बाद इसको रिफ्यूट करेंगे, फिर चारवाक को रिफ्यूट करेंगे. ये तो चल रहा है अपना. अपन क्या कर रहे हैं, पहले सोर्स ऑफ नॉलेज को समझ रहे हैं, फिर चारवाक जो बोलता है उसको समझ रहे हैं, फिर चारवाक को रिफ्यूट कर रहे हैं. ये अपना डायमेंशन चल रहा है. ठीक है, तो कंपैरिजन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. सब बोर्ड पर देखेंगे एक बार. मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, ये पर्सन आगरा जाकर ताजमहल देखकर आया है ना, सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल यूज कर रहे हैं. ये ताजमहल देखकर आया, अब इसने आकर बी को बताया कि देखो एक ऐसी चीज है आगरा के अंदर जिसके अंदर जो पूरा मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से, इसके अंदर एक डोम है और चारों तरफ पिलर लगे हुए हैं इसके. ठीक है, और एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ऐसा इसने बोला. बी ने इसकी बात सुन ली. अब भी एक दिन ऐसे ही खुद आगरा में घूम रहा था तो उसको एक ऐसी बिल्डिंग दिखी, वाइट मार्बल है, बीच में डॉम है, चारों तरफ पिलर है, तो उसको लगा अरे ये तो ताजमहल है. तो अब इसको नॉलेज आ गई ना ताजमहल की, फाइनल नॉलेज की क्या ताजमहल है. अच्छा यहां पर इसको नॉलेज आई थी क्या ताजमहल की? यहां पर नॉलेज आई थी, पर वो पार्शियल नॉलेज थी, और नॉलेज कैन नॉट बी पार्शियल, नॉलेज हमेशा एब्सोल्यूट ही होती है. यहां पे जो नॉलेज आई है वो क्या हुई है? एब्सोल्यूट. अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर ए बी को ये नहीं बताता कि वो जो मार्बल वाली बिल्डिंग वो ताजमहल है, तो बी ये बोल पाता कि ये तो ताजमहल है? नहीं बोल पाता. तो बी को तभी वो ताजमहल लगा जब इसने इसको कुछ पहले से कंपेरेटिव नॉलेज दी. अगर ये कंपेरेटिव नॉलेज बी के पास नहीं होती ना, तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज ताजमहल. ठीक है, अगर ये कंपेरेटिव नॉलेज बी के पास नहीं होती तो बी कैन नॉट से दैट दिस इज ताजमहल.
ये समझ में? तो कंपैरिजन, अच्छा यहाँ से नॉलेज अटेन हुई है ना, ठीक है, यहाँ से नॉलेज अटेन हुई है, इसका मतलब क्या है कि कहीं कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज यूज हुआ है। तो जब ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जिसके अंदर नॉलेज अटेंड होती है वो कैसे होती है, कंपैरेटिव नॉलेज के थ्रू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। समझ में? वापस देखते हैं कि मान लीजिए ए है, ये आगरा में घूम रहा है, इसने ताजमहल देखा, ताजमहल को स्टडी करके आ गया। ये बी है, बी को आके बताया कि देख भाई ताजमहल ऐसा ऐसा होता है, बी के पास एक कंपैरेटिव नॉलेज आ गई। अब बी एक दिन ऐसे आगरा में घूम रहा था यूँ, उसको एक बिल्डिंग वैसी दिख गई ताजमहल की, उसने बोला अरे ये तो ताजमहल है, और उसको ताजमहल की नॉलेज पता चल गई। अच्छा अगर ए आकर इसको नहीं बताता कि ऐसी बिल्डिंग ताजमहल है, तो बी बोल पाता उधर जाके कि ये ताजमहल है? नहीं बोल पाता। बी क्यों बोल पाया? क्योंकि ए ने इसको बताया, इसको कंपैरेटिव नॉलेज थी। समझ गए? तो कंपैरिजन, लिखो कंपैरिजन इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। इन विच फाइनल नॉलेज इज अटेन थ्रू, इन विच फाइनल एब्सोल्यूट नॉलेज इज अटेन थ्रू कंपैरेटिव नॉलेज, इज अटेन थ्रू कंपैरेटिव नॉलेज। कंपैरेटिव नॉलेज। अब एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ना अभी, जैसे आपको परसेप्शन पढ़ा है तो अभी अधूरा पढ़ा है, ये चार्वाक को समझने के लिए पढ़ा है। न्याय इज नोन एज प्रमाण शास्त्र, प्रमाण मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, तो न्याय में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ तुमको ये बताया सेंस कॉन्टेक्ट रिलेशन, न्याय में ऐसा होगा इंद्रिया सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम, ये पूरा परसेप्शन है। समझे? जब आपको कंपैरिजन बता रहे हैं ना, तो अभी छोटा सा बताया कंपैरिजन, ताजमहल का एग्जांपल दीजिए जिससे समझ में आ जाए। न्याय में जब पढ़ेंगे ना वाइल्ड काउ का एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। तो अभी सिर्फ आपका उतना ही पढ़ा रहे जितना तुमको समझ में आ सकता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, पूरा पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो कंपैरिजन का समझ में आ गया, कंपैरिजन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इन विच नॉलेज इज अटेंड और फाइनल नॉलेज इज अटेंड बाय कंपैरेटिव विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव नॉलेज। अब देखो चार्वाक इसके बारे में क्या बोलता है, सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ा, अब चार्वाक को पढ़ते। चार्वाक देखो क्या बोलता है कि भाई तुम लोग कर क्या रहो इसके अंदर, ये एक पर्सन था, इसने बी पर्सन को कुछ बताया और बी पर्सन ने जाकर उसको देख लिया, पहले सुना इसकी नॉलेज को फिर जाकर देख लिया, तो ये तो परसेप्शन ही तो हुआ। एक बार इसने यहां परसेप्शन करा, दूसरी बार जाकर ताजमहल को देख लिया, वहां परसेप्शन कर लिया। समझे? यहां परसेप्शन कैसे हुआ बताओ, आदित्य? इयर्स से सुना, ए ने बी को बोला, बी ने सुन लिया, बी को कंपैरेटिव नॉलेज आई, तो वो क्या हुआ, परसेप्शन हो गया। फिर बी ने जाकर उसको देख लिया खुद ने, तो ये परसेप्शन नंबर टू। तो दो स्पेस और दो टाइम में तुमने परसेप्शन कराया और तुम उसको बोल रहे हो कि ये अलग से एक सोर्स ऑफ नॉलेज बना दिया कंपैरिजन, ठीक है? तो लिखो चार्वाका स्टेटेड दैट, चार्वाका स्टेटेड दैट कंपैरिजन इज नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। चार्वाका स्टेटेड दैट कंपैरिजन इज नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बट इट इज मियर परसेप्शन, बट इट इज मियर परसेप्शन इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन पर्सन परसीव्स इनटू स्पेस एंड टाइम, पर्सन परसीव्स इनटू स्पेस एंड टाइम, इनटू स्पेस एंड टाइम, हेंस इट इज ओनली, हेंस कंपैरिजन इज नथिंग बट परसेप्शन ओनली, हेंस कंपैरिजन इज नथिंग बट परसेप्शन ओनली। अभी बात तो चार बात की भी ठीक है ना, बात तो चार वक्त की भी ठीक है कि भाई तुमने एक बार यहां सुना और दूसरी बार जाकर देख लिया,
और ये भी जब देख कर आया तभी भी इसने देखा था, तो हर जगह परसेप्शन ही यूज़ हो रहा है। पर मेरे को ये बात बताओ आप लोग कि अगर मान लो बी के पास कंपैरेटिव नॉलेज नहीं होती और वो सिर्फ ताजमहल को देखता रहता तो उसको क्या नॉलेज आ जाती क्या? क्या वो बोल देता दिस इज ताजमहल? तो सिर्फ परसेप्शन तो नहीं है ना, सिर्फ परसेप्शन होता तो ये देखता और बोल देता। इसके पास पहले क्या होनी चाहिए? कंपैरेटिव नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द परसेप्शन बिकॉज इन परसेप्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैरेटिव नॉलेज, ठीक है? बट इन कंपैरिजन कंपैरेटिव नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सर यहां पे फैलेसी ऑफ इनफिनिट इक्वेशन नहीं होगा? कैसे? जैसे उसको एक बी को ए ने बताया कंपैरेटिव, ए को भी तो किसी ने बताया, ए ने तो खुद ने देखा ना जाकर ताजमहल। तो वैसे फिर हम बी के केस में भी बोल सकते कि वो भी अगर इन केस उसको अगर ये नहीं भी बताता हाँ। तो भी वहां पे जाके इनफैक्ट एक्चुअल में हां, तो वो जब परसेप्शन करता तो उसको परसेप्शन बोलते। ए ने तो परसेप्शन नहीं करा है, पर बी ने क्या करा है ये बताओ? बी ने पहले इससे कंपैरेटिव नॉलेज ली, हाँ, इसने तो जाके स्टडी करा है वहां पे, देखा ये तो घूम रहा था ऐसे, इसको ताजमहल जैसी बिल्डिंग दिख गई, इसने बोला अरे ये तो वही था जो इन्हें मेरे को बताया था। अब जब इसने बोला ना अरे ये तो वही था जो इन्हें मेरे को बताया था, ये कंपैरेटिव नॉलेज, उसके बिना बी नहीं कर सकता था, ए ने तो परसेप्शन नहीं करा, समझे? तो लिखो इसके अंदर। बट चार बट इन केस ऑफ कंपैरिजन, बट इन केस ऑफ कंपैरिजन कंपैरेटिव नॉलेज इज रिक्वायर्ड देन ओनली फाइनल नॉलेज कैन बी अटेन्ड। While perception as a source of knowledge, requires only sense contact relationship with object. ठीक है? तो इन केस ऑफ परसेप्शन तुषार नो कंपैरेटिव नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है? समझ में आया किरण? तुम आया आदित्य? ठीक है, जबकि परसेप्शन के अंदर क्या है? सिर्फ सेंस कॉन्टैक्ट यूज हो रहा है, कंपैरिजन के अंदर कंपैरेटिव नॉलेज भी यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई कंपैरिजन इज डिफरेंट फ्रॉम द परसेप्शन। हाँ, अब जैसे कंपैरिजन वो कर रहा है, हाँ, कंपैरिजन में देयर शुड बी टू डिफरेंट थिंग्स, तो मैं अगर वहां पे कंपेयर कर सकता हूं कि ये से है ये से, जैसे कि मुझे कोई मोबाइल लेना हुआ सैमसंग या नोकिया, इन केस ऑफ दिस केस अभी यहां पे ए और बी दे आर कंपेयरिंग विद द सेम ऑब्जेक्ट, हां ये भी ताजमहल के साथ ही कंपेयर कर रहा है, पर इसके अंदर यहां पे ताजमहल की इमेज है और वहां पे रियल ताजमहल है, ओके, तो वो इमेज को ताजमहल से कंपेयर कर रहा है, परसेप्शन नहीं हुआ ना भाई, कंपैरेटिव नॉलेज तो है ना इसके पास, परसेप्शन में तो इमेज नहीं थी इसके पास। अब कंपैरेटिव नॉलेज उसको जब मिला उसने हाँ। कुछ ना कुछ तो विजुलाइज किया होगा उसके ब्रेन में, हाँ सही है, तो वो उसका वहां पे उसको नॉलेज मिल गया ए के थ्रू वाया परसेप्शन, वाया परसेप्शन मिला, ये ठीक है, बट ये कंपैरेटिव नॉलेज परसेप्शन में रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर ये जाकर इसको ऐसे देख कर ये बोल देता कि ये तो ताजमहल है बिना कंपैरेटिव नॉलेज, तब तुम उसको परसेप्शन बोलते, अब ये परसेप्शन नहीं है, ये कंपैरिजन है, समझ गए? सिर्फ परसेप्शन होता तो देख कर ही बोल देता, पर उसके पास कंपैरेटिव नॉलेज होगी तो ही वो बोल पाएगा। मेरा पॉइंट ये था कि कम्स टू कंपैरिजन देयर हैज़ टू बी टू डिफरेंट थिंग्स, हां तो टू डिफरेंट थिंग्स ही है तुषार, यहाँ पे एक इमेज है एक ताजमहल है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज टेस्टिमनी। नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इज टेस्टिमनी। देखो टेस्टिमनी क्या होता है ये समझो कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने कुछ बोला बी को और बी ने मान लिया कि हाँ ये बात ठीक है, इसने ऐसा बोला जैसे रोज इज रेड मान लो, और बी ने बोला हाँ भाई इसने बोला है तो ठीक ही होगा,
तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, जिसमें बी को नॉलेज आ गई। अच्छा ये बोल देता रोज इज ग्रीन, फिर भी ये मान लेता। ये बोल देता रोज इज नॉट देयर, तो भी ये मान लेता। तो ऐसा केस कब हो सकता है, तुम तो ऐसा केस कब हो सकता है जब बी हर बात माने ए की? टीचर हो तो टीचर तो बेवकूफ़ भी तो बना सकते हैं, बहुत टीचर बेवकूफ़ बनाते हैं। भरोसा हो बी को, बी पे भरोसा हो, या बी ए को क्या हो, कोई अथेंटिक बीइंग हो, अथेंटिक पर्सन। अगर अथेंटिक पर्सन नहीं होगा ना, तो बी चाहे रोज इज ग्रीन होगा, ग्रीन मानेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज ही हुआ ना। इस सोर्स ऑफ नॉलेज को टेस्टिमनी बोलते हैं। जैसे टॉपर्स का टेस्टिमनी आता है, ठीक है, जैसे अगले साल विनीत का आएगा टेस्टिमनी, है ना, तो विनीत जो बोलेगा उसको स्टूडेंट्स मान लेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों मान लेंगे? क्योंकि विनीत इज अथेंटिक पर्सन। अभी विनीत कुछ बोलेगा तो स्टूडेंट मानेंगे क्या? समझे? वो अथेंटिक पर्सन नहीं है अभी। अब अथेंटिक पर्सन होगा तब जाकर इसकी बात भी मानेगा, और बी को नॉलेज तभी आएगी कि रोज इज ग्रीन। नहीं तो रोज कितना भी ग्रीन हो, ये बोलता रहेगा, बी मानेगा नहीं। ए का सिलेक्शन होगा तभी जाकर बी इसकी बातें मानेगा। समझ गए? तो यहां पर मेरे को ये बतावा देते हैं कि बी को नॉलेज आई और इसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हुआ? टेस्टिमनी। ठीक है, तो लिखो टेस्टिमनी इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। टेस्टिमनी इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज इन विच नॉलेज इज अटेंड व्हेन ए ऑथेंटिक पर्सन टेस्टिफाइज दैट नॉलेज। व्हेन ए ऑथेंटिक पर्सन टेस्टिफाइज दैट नॉलेज। जब ऑथेंटिक पर्सन टेस्टिफाई कर देगा ना नॉलेज को, तब जाकर नॉलेज अटेंड होगी। ठीक है? अच्छा मेरे को सोच कर बताओ ये कि चारवा किसके बारे में क्या बोलेगा? टेस्टिमनी के बारे में। हाँ बोलो। किसी का क्या भरोसा? नहीं भरोसा नहीं, अथेंटिक है तभी बोल रहे। समझ रहे? अथेंटिक है ना तभी बोल रहे। हाँ बोलो। क्या सुपरस्टिशन? क्या सुपरस्टिशन? ये अथेंटिक पर्सन। अच्छा मान लो ये अथेंटिक पर्सन ही है और बी ने उससे नॉलेज ली, सही में अथेंटिक पर्सन है, इसको अपन टेस्टिमनी बोल रहे हैं। पहले अथेंटिसिटी प्रूफ करेगा तभी जाकर, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी मान लेगा। पहले इसको पास करना पड़ेगा एग्जाम, अथेंटिक बनना पड़ेगा, उसके बाद। वेरी गुड। चारवा क्या बोलेगा? यही बोलेगा। देखो अगर फिलॉसफी पकड़ने लग जाते ना तो बता देते इसने पकड़ लिया फिलॉसफी। चार वाक का क्या थॉट है? परसेप्शन ही है भाई। इसमें क्या हुआ है? इसने कुछ बोला, इसने कुछ सुना, तो इसमें चार वाक ये बोलेगा कि ए ने ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी, ये दो चीज़ें यूज करी है। अच्छा ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी, सॉरी, इससे क्या हुआ है? इसको नॉलेज आई है, या तो ये एक्सप्रेशन से उसको कुछ बता रहा है तब नॉलेज आई है, या फिर ऑडिबिलिटी से बोलकर कुछ बता रहा है। बोल के कुछ बता रहा है तो बी को कैसे नॉलेज आएगी? थ्रू ईयर्स, और इससे क्या होगा? इससे थ्रू आईज। ठीक बात है? तो ये तो क्या है? परसेप्शन ही तो है कि इन टेस्टिमनी नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू आइदर थ्रू ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी, और दिस ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी इज नथिंग बट द परसेप्शन ओनली। ये चार वक्त का पॉइंट होगा। समझिए, तो लिखो चार्वाक रिफ्यूटेड टेस्टिमनी एज, चार्वाक रिफ्यूटेड टेस्टिमनी एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज रिफ्यूटेड टेस्टिमनी एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्टेटेड दैट टेस्टिमनी is nothing but perception only. Testimony is nothing but perception only.
stated that testimony is nothing but perception only, right? He stated that a person can get knowledge from the authentic person. A person can get knowledge through the authentic person. From the authentic person, either through audibility or visibility. Either through audibility or visibility. ठीक है फिर लिखो एंड दिस ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी इज डन बाय द सेंस ऑर्गन्स इज डन बाय द सेंस ऑर्गन्स ठीक है फुल स्टॉप अब भाई चार्वाक क्या बोल दिया चार्वाक ने तो टेस्टिमनी को भी परसेप्शन बना दिया जैसे कंपैरिजन को बना दिया तो अब इसका रिफ्यूटेशन क्या होगा बताओ आदित्य सोचकर क्या रिफ्यूटेशन होगा इसका चार्वाक अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं फिर सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में चार्वाक कैसे इसको रिफ्यूट कर रहा है वो पढ़ रहे हैं फिर हम चार्वाक का क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं अपन जब से हमने इन्फ्रेंस पढ़ा इन्फ्रेंस के बाद चार्वाक के क्या पॉइंट था रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्रेंस फिर हमने चार्वाक को कैसे रिफ्यूट करा वो पढ़ा हमने कंपेरिजन पढ़ा कंपैरिजन के बाद चार वाक्य क्या पॉइंट थे कंपैरिजन के लिए रिफ्यूटेशन पे फिर चार वाक्य का रिफ्यूटेशन पढ़ा अच्छा हम टेस्ट